हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ 24/7 में। गाइस, आज हम इसमें गोला यानी कि स्फीयर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा गोला के बारे में। लोग यहाँ पे स्फीयर और सर्कल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखिए, गोला होता है ये, और ये क्या होता है आपका, वृत्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें कैसे हैं, ये आपका जो है ये 2D शेप है। सबसे पहला डिफरेंस ये क्या है, 2D शेप है यानी 3D फिगर है वो, और ये क्या है आपका, ये 3D शेप है यानी कि 3D शेप है, ये यानी कि 3D शेप है। तो गोला और वृत्त में सबसे बड़ा डिफरेंस तो पहले यही पे है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसकी जब 2D की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसमें हम बस इसकी एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। पेरीमीटर को इसके सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि परिधि, ठीक, इसका क्षेत्रफल और इसकी परिधि, बस यही दो चीजें हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, ओके। और भी चीजें हैं, सेंटर इन सेंटर, ये सब चीजें होती है, रेडियस वगैरह होता है, डायमीटर वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन तौर पे हमारा जो होता है यहाँ पे सर्कमफेरेंस और एरिया, यही दो चीजें कैलकुलेट करते हैं बस, प्योर और प्योर यही दो चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, गोला में यहाँ पे जब आएंगे हम लोग, ये 3D फिगर है, और 3D फिगर में क्या क्या होता है, देखिए हमने बताया था आयतन होता है और पृष्ठ होता है। क्या क्या होता है इसमें, आयतन और पृष्ठ यानी कि वॉल्यूम और सरफेस होता है, हमें ये कैलकुलेट करना होता है। अगर इनके शेप के फिगर की बात करें, देखिए फिगर जो होता है इनका, सिंपल केवल और केवल फिगर बना सकते हैं हम लोग इसका बोर्ड पे, ठीक है। और वैसे अगर सर्कल की बात करें, तो सर्कल के लिए जो लाइन होती है ये इमेजिनरी होती है, बहुत ही पतली लाइन ली जाती है इसको। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो ये कहते हैं कि जो सर्कल होता है किसी पॉइंट का रास्ता होता है, ठीक है, एक मूविंग पॉइंट का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये मूव कर रही है और इसी रास्ते में मूव कर रही है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। इस मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है। ये तो हो गई इसकी वृत्त की परिभाषा। लेकिन अगर हमें स्फीयर को बताना होगा तो स्फीयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा गोला शेप, जैसे आपका अर्थ हो गया, अर्थ का अर्थ ना कह के अगर हम ग्लोब बोले तो ज्यादा बेटर होगा। घरों में ऑफिस में कहीं कहीं पे ग्लोब दिखता होगा आप लोग को, ठीक है, जिसमें पूरे भारत पूरे वर्ल्ड का मानचित्र बना होता है। तो ग्लोब को देख लीजिए, वो कैसा होता है, एकदम गोला होता है, ठीक है। या फिर आप अपने प्लेइंग बॉल को देख लीजिए, फुटबॉल को देख लीजिए, ये जो बॉल्स होती है वो क्या होती है, स्फीयर शेप में होती है। एक चीज सोचिएगा कि अगर आप मान लेते हैं एक सर्कुलर पेपर ले लीजिए, ठीक है, एक सर्कुलर पेपर और एक बॉल ले लीजिए, क्या इन दोनों को कॉपी पे या फिर बोर्ड पे बना पाना संभव है? अगर आप कहेंगे तो सर्कुलर पेपर को आप इस पे मतलब बनाने का मतलब चिपका सकते हैं, लेकिन इसको नहीं चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी डिफरेंस होता है दोनों में। आइए हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर देखिए होता क्या है, स्फीयर जस्ट हमने बताया कि एक गोल शेप में कोई चीज होती है, जैसे आपका ग्लोब का शेप हो गया या बॉल का शेप हो गया, ठीक है, या कोई कुछ गिफ्ट पैक वगैरह किया होगा गोल शेप में, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो सर्कुलर शेप में हो लेकिन वो क्या हो, 3D हो, क्या हो, 3D हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं फिलहाल, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या है आपका, स्फीयर के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्फीयर का हम लोग सरफेस एरिया पढ़ते हैं। सरफेस एरिया यहाँ पे होता है वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ या फिर जो भी पृष्ठ कह लीजिए, केवल पृष्ठ कहें तो ज्यादा बेटर है। होता क्या है, क्योंकि इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी और पार्श्व पृष्ठ भी एक ही चीज होती है, या वक्र पृष्ठ भी उतना ही होता है, ठीक है, दोनों तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है, और वो क्या है, 4πr², ठीक है। तो इसका जो CSA कह लीजिए चाहे TSA कह लीजिए, बात एक ही होती है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 4πr², ठीक है। इसके बाद देखिए जब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा इसका, आयतन। तो आयतन की बात करते हैं तो क्या आता है इसका, आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³। इसका आयतन कितना होता है, 4/3πr³ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी में आता है हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध गोला, वो कैसा होता है, देखिए इसी गोले को अगर हम काट दें, ठीक है, तो इसमें हमारे तीन सर्फेस बन जाते हैं, कितने, तीन सर्फेस बन जाते हैं, एक आपका ये इंक्लूड हो जाता है, बाकी दो जो होते हैं अर्धगोले के होते हैं, ठीक है। एक ये जो आपका सर्कल बनता है, जैसे अगर एक गोला को काटा जाए, ठीक है, मान लीजिए एक बॉल को अगर आप काटते हैं, तो बॉल को काटेंगे तो कुछ कटोरी शेप में बनेगा, बॉल के शेप में बनेगा। अगर आपने बॉल को काटा तो क्या मिलता है आपको, बॉल शेप मिलता है। ये जो बॉल शेप होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला।
हेमिस्फीयर, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध गोला। यहां पे देखिए, यहां पे तीन चीजें होती हैं। यहां पे आपका इनका वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। इसके बाद इनका आयतन भी होता है, तीनों अलग अलग क्वांटिटीज है। वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है TSA, और आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा इसका, जो बेलन जो इसका स्फीयर का था यानी जो गोले का था उसी का आधा, उसका आधा कितना हो जाएगा ये आपका 2πr2। ठीक है, ये क्या होगा इसका वक्र पृष्ठ होगा। और यही पे अगर आपसे आयतन का आ जाए तो आयतन का भी आधा कर लेंगे, जैसे यहाँ 4/3 है, आधा करेंगे कितना आएगा 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π r³ हो जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस में देखते हैं अगर संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में जानते क्या होता है, देखिए ये जो 2πr² है तो ये तो इतना 2πr² रहता ही है। ठीक है, इसी में हम ऐड कर लेते हैं किसको, ये जो सर्कुलर पृष्ठ बचा हुआ है अभी, ठीक है, उसको ऐड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1πr² और ऐड हो जाएगा, तो 2πr² प्लस क्या हो जाता है πr², इसको अगर हम आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करें और इसमें हम कॉमन ले लें, कुछ कॉमन क्या लेंगे आप देखिए πr कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे πr हो जाएगा अपना कॉमन, क्या मिलेगा यहाँ पे 2πr मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह की बात करनी होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉरी πr² प्लस, एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इन जब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 2πr² इसका और ये जो πr² ये है, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 3πr², यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका 3πr², तो अर्धगोले का यानी कि हेमिस्फीयर का जो वक्र पृष्ठ यानी CSA होता है वो कितना होता है 2πr² और TSA यानी संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 3πr², और इसके बाद में जब आयतन की बात करेंगे यानी वॉल्यूम की बात करेंगे कितना आ जाएगा ये 2π3πr³। ठीक है, ये हो गया आपके फॉर्मूले। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अभी हम लोग और भी वीडियोस बना रहे हैं जिनमें काफी चीजों का डिस्कशन होगा जो कि आपके साथ सभी प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल ये जो वीडियोस बन रही है CHS पॉलिटेक्निक, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बन रही है, जिसमें उन लेवल के क्वेश्चंस और उस तरीके की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। एक गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल 41.58 cm² है, तो उसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब क्या होता है अर्ध गोला यानी कि हेमिस्फीयर, इसका जो कुल सतह का क्षेत्रफल दिया गया है कितना दिया है 41.58 cm² कुल सतह का क्षेत्रफल मतलब कितना दिया है TSA, क्या दिया हुआ है यहाँ पे TSA। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं कि इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि CSA हमसे इसमें पूछा गया है, CSA हमसे पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, या ये कैसा फिगर है, हेमिस्फीयर का है। ठीक है ना, फिगर क्या है इसमें, हेमिस्फीयर है। देखिए हेमिस्फीयर में क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने TSA की बात की जा रही है तो मतलब कितना दिया है यहाँ पे 3πr², क्योंकि TSA कितना होता है TSA=3πr², तो देखिए TSA की वैल्यू कितनी है 41.58 कितना हो जाएगा 3πr². ठीक है, यहां से हम अगर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड की बात करें, क्यों, क्योंकि देखिए यूनिटरी मेथड क्यों लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 2πr², क्या फाइंड करना है 2πr², हमसे इसमें केवल वक्र सतह के क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो देखिए होगा अगर 3πr² दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कितना 2πr², तो हम पहले क्या करेंगे 1πr² फाइंड करेंगे, तो πr² फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 41.58 और 3 को इधर जाके डिवाइड कर देना होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2πr² आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दिया, 3 का दिया था पहले, हमें 1 निकाल लिया और उसके बाद फिर किसके कितने का निकाल लिए 2 का निकाल दिए, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। अदरवाइज आप एक तरीका से और कर सकते थे इसको, वो क्या था, पहले आप आर कैलकुलेट करते उसके बाद फिर आप फॉर्मूला रखते किसका 2πr² का,
ठीक है, तो जो ज्यादा इजी होगा वही मेथड लगाइए। ये कितना आ जाएगा आपका 41.58 अपॉन 3 हो जाएगा इनटू कितना आ जाएगा 2, तो यहां से 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि आपका क्या है सीएसए है। ठीक है, अब ये बस सोचिए ये वाला 2 इधर से कहां से आया, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिटी मेथड में यही रूल चलता है। ठीक है, हमें एक्चुअली सीएसए निकालना था, इसकी जगह हम क्या बता दिए कि ये सीएसए, ये पूरा 2 पाई आर स्क्वायर क्या बन गया सीएसए, और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे यहाँ पे, 3 एकम 3, 1 1 11 हो रहा है, यानी कितना मिलेगा यहाँ पे 3 3 का 9, 2 5 25 हो गया। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, 3 बटे कितना हो जाएगा 24, 1 बचा और 8 3 6 कितना हो जाएगा 18, इनटू क्या कर लेंगे हम लोग 2, ये हो जाएगा आपका सी एस ए। यहाँ से कितना आएगा देखिए, 6 2 12 8 2 16 प्लस 1 17 एंड 2 3 6 6 प्लस 1 7 एंड 2 1 2, 2 को ऐसे लिख देंगे तो 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर। मतलब ये हो जाएगा आपका इस अर्धगोले का यानी गोलार्ध का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है।